गाइस फिट रहना बहुत जरूरी है, तो दौड़िए, भागिए, पुशअप करिए, मगर जो भी करिए थोड़ा ध्यान से करिए। आस्था, चंदा। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? यू वांट टू जॉइन? हमें नहीं लगता कि इन कपड़ों में हम यू सी, इसीलिए ना लाइफ में प्रिपेयर्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं रन करके आती हूँ, आप लोग क्लास एंजॉय करो। आई सी यू ऑल लेटर। या ओके बाय। सो मुंबई कैसा लग रहा है? अपनी स्ट्रिक्ट बुआ है कि चिल बुआ है? थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पर अब मम्मी पापा ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है तो आई नो। लेकिन उसका वो जो नो बॉयज रूल है वो तो तुम दोनों को इरिटेट करता होगा, राइट राइट राइट? नहीं नहीं, बुआ सा सही बोलती है शायद। अच्छा, आस्था यू टेल मी, मतलब मैं बात कर सकती हूँ तुम्हारी बुआ से? मेरी काफी बातें मान लेती हैं वो, इवन अबाउट द नो बॉयज रूल। थोड़ा अगर हाय हेलो बॉय से कर लिया तो क्या दिक्कत है? डार्लिंग, आई डोंट थिंक उसे हाय हेलो से प्रॉब्लम है। द वरी इज, यू नो जब बात हाय हेलो से आगे बढ़ जाती है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आप फिजिकल सेक्स? यस डार्लिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स। एंड सेक्स से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है सेफ्टी की। तुम दोनों जो मर्जी करो, जस्ट बी सेंसिबल, बी सेफ। पर ये सेफ्टी का ज्ञान हम लड़कियों को ही क्यों दिया जाता है? क्या बोल रही है आस्था? जो भी होता है हम लड़कियों को ही होता है ना, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मर्द फर्क नहीं करता है। इनफैक्ट सेफ सेक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पीपल इन्वॉल्व्ड। एक सवाल है, या क्या सच में पपीता खाने से, मतलब प्रेगनेंसी से बच सकते हैं कि नहीं? डार्लिंग, तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसा होता तो कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इन्वेंट होते? क्यों? या कई बार हम जिंदगी में कुछ रिश्तों को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे बैठते हैं, और फिर उन्हीं रिश्तों को निभाते निभाते हमें कई लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ती है। जो वो कुत्ता नहीं आने वाला। होल्ड दिस, और अपनी रोंदी सी जो सूरत है उसको साफ कर, सूट नहीं करता तुझ पे। जो जो जस्ट लुक एट मी, यू नो द जो दैट आई नो, शी स्मार्ट, शी इज प्रैक्टिकल, एंड हाउ मच टाइम डू वांट टू वेस्ट इन दिस एनीवे? वर्क प्रेशर बहुत था, मैं भूल गई, और फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने एक बहुत ही स्टूपिड सा अचार वाला एग्जांपल दिया कि एक्सपायरी डेट के बाद भी खा सकते हैं और पिल भी 72 आवर्स के बाद लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब मैं इस सबके लिए रेडी नहीं हूँ। ये तुम्हारी चॉइस है। ये मेडिकल अबॉर्शन कॉम्बी किट यूज़ करने का स्केड्यूल जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, इस रूल्स के साथ खिलवाड़ मत करना। Understand? Yeah. But worry करने की तो कोई बात नहीं है ना? तुम्हें cramps आ सकते हैं, heavy bleeding हो सकती है, और जो expected side effects है तो मैंने तुम्हें बताया। बस इस बार ना थोड़ा पहले ही plan करो, contraceptions के बारे में सोचो। आजकल इतने सारे options आए हैं, like you have the oral contraceptive pills, OCP कहते हैं उसे, injectables, IUD, an intrauterine device, condoms वगैरह। आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने कितनी बार राघव को बोला था कि let's use some protection, but he always used to say real men don't use condoms। प्रॉब्लम कब शुरू होती है ना, जब हम दूसरों को हमारे decisions लेने देते हैं। Exactly। मैंने ना इसलिए पहले से ही decide कर लिया था, safe and private injectable contraceptives, और किसी का कोई interference ही नहीं होता। खुद को इतना जज मत करो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, इस बार एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकती हो। और हाँ, अचार को पराठों के लिए छोड़ दो। थैंक यू। यू आर वेलकम। आज हमारा सुपर हीरो लोहा छोड़ के योगा कर रहा है। क्या बताऊं यार, लाइफ ने वाट लगा दी है तो सुपर हीरो को योगी बनना पड़ा। मेरे भाई की वाट लगाए, ऐसा ना किसी में डेयरिंग नहीं है, समझा ना?
सही बात। चल एक काम करते हैं। हाँ आज वेट्स की जगह ना सूर्य नमस्कार कंपटीशन करते हैं क्या? यार मेरी बात सुन। हाँ यार देख तू दोस्त है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलेगा। मेरे को ना टीबी हुआ यार, देख अभी कंटेजियस नहीं है, मैं दवाइयाँ टाइम पे ले रहा हूँ और डॉक्टर ने तो ये भी बोला है कि मैं ठीक भी हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुझे मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं करनी है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा ब्रो, सब सही है। यार तो अब ऐसे ही पकाता रहेगा ना तो स्लीप आसन हो जाएगा मेरा, बता रहा हूँ। चला शुरू करते हैं। रुका कपाल भारती। भारती नहीं रे भाती, सेम थिंग ना ब्रो। चलो कपाल भाती से शुरू करते हैं। हाय आई वाज जस्ट थिंकिंग मेरे रिपीट कस्टमर्स के लिए मुझे कोई नई स्कीम रखनी चाहिए। कम वेलकम बैक मनीष। आई ओपन माय आईज। वाओ ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये मुझे चाहिए था? किसी ने बड़े गुस्से में आकर एक दिन मुझसे कहा था जो पति अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें समझ जाए वही सबसे अच्छा पति होता है। इसके लिए तो तुम्हें 22 ताज मिलेंगे। मैंने बहुत सोचा, तुम सही थी, दूसरा बच्चा शायद इतनी जल्दी ना करना ही ठीक है। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस को लेकर हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तुम्हें पता है इस बात पे ना एक और स्टार बनता है तुम, एक्स्ट्रा स्टार। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है और उससे हमारे बीच में कभी कुछ नहीं बदलेगा। 60 साल के बुड्ढे हो जाने के बाद भी। स्टार्टअप तो शुरू हो गया यार, आइडिया तो मेरा है, सबसे ज्यादा मेहनत भी मैं ही कर रहा हूँ। वो आस्था वहां फालतू में पार्टनर बैठी हुई है, कुछ करती है नहीं। 4 और बुकिंग। अब तो मैं सीईओ बनकर ही रहूंगा, मॉम डैड को दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। Hey. थैंक यू माना। यू वेलकम। वो तुम रिपीट कस्टमर्स वाली स्कीम की बात कर रहे थे ना? जी। तुम मेल जरूर भेज देना। ओके। हम आते रहेंगे। वर्क्स। आई विल मेक द पेमेंट। यस। यस जस्ट अ सेकंड। निगा यार क्या कर दिया तूने? क्या हुआ? तेरा शो नंबर 4 से नंबर 2 पे आ गया है। आर यू सीरियस? पार्टी चाहिए। ऑफ कोर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। गॉड आई कांट बिलीव इट। नेक्स्ट सेकंड। ओह माय गॉड। हेलो विकी, आई नीड टू मीट यू, इट्स अर्जेंट। या ठीक है, बाय। राघव, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल मी अबाउट योर डिजाइंस? नॉट रियली, मुझे लगा आपको मेरे डिजाइंस पसंद आए। पसंद आए? आई लव देम, आई थिंक इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। थैंक यू। वुड यू शेयर व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड देम? या यू पैम, लाइक द वे यू ब्रीथ, your style, yeah, just you. You know what, kid? Maine ye company PowerPoint presentations aur Photoshop ke buniyad par khadi nahi ki hai. And I know this is signature Jyoti. Ye? What do you mean, Pam? Like, Jyoti kahan se aa gayi isme? I mean, I know a liar when I see one. Out of here. Pam, you just can't fire me like this. I'm smarter us Jyoti se to definitely smarter. You just can't fire me. I just did.
और मुझे अपना रियल साइड दिखाने पे मजबूर मत करो। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाएगा। आउट यू गो नाउ। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? Of course, we're number two now. What? Yeah. यार बेकार में डरा दिया यार। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था तुम नहीं आओगे। अली से घक तो कर दे यार। What's wrong with you यार विकी? क्या problem है? Are you upset with me? मैंने कुछ किया क्या? यार तूने कुछ नहीं किया, it's just. तो फिर? यार मुझे टीवी है यार। What? Yeah. कब से पता है तुम्हें? यार विकी कुछ कहा क्यों नहीं यार तूने? यार तू जस्ट रिलैक्स कर। रिलैक्स? मुझे पहले कुछ कह देता यार, कम ऑन। वो तो इस वजह से तू मुझे अवॉइड कर रहा था। आई मीन वाह, और मैं सोचती थी कि हम दोस्त हैं। विकी डू यू रियलाइज मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए? आई वाज वरीड अबाउट यू यार कि पता नहीं कहां गायब हो गए हो। यार सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है ना कि यार मुझे भी समझने का टाइम नहीं मिला। यार मुझे पहले भी टीवी डायग्नोस हुआ था, उसके बाद मैं बेटर फील करने लगा एंड मी बीइंग सो सिली मैंने अपनी ट्रीटमेंट नादे में छोड़ दी। उसके बाद टेस्ट से कंफर्म हुआ और ये टीवी वापस आ गया। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। मेरी माँ मुझ पर प्रेशर डाल रही है कि भाई लड़की देख ले, भाई लड़की से बात कर ले, बात तो आगे बढ़ा ले इस कंडीशन में। एग्जैक्टली एक्चुअली अगर टीबी ना भी होता तो भी ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ता ना। मिया बाय द वे मेरी माँ तुम्हारा शो सुन दिए कभी कभी। अरे वाह नाइस, शो के लिए सरप्राइज। नाइस यार, दिस माय फेवरेट चॉकलेट केक है यार। गुड चॉइस। कटे या ओके, कांग्रेचुलेशंस टू अस आवर शो एंड मेघा। मे मेघा ऑलवेज रॉक एंड हियर वी गो। विकी वो टीवी ना हवा से फैलता है, केक से नहीं। गो अहेड, गुड एंड स्माइल। मैं भी खा लूं। तुम कभी कभी जिस तरह से बात करती हो ना, काफी क्यूट लगती हो। वैसे मुंबई के स्कूल्स में वो सब पढ़ाते हैं क्या? क्या वो सब? अरे वही बच्चे कैसे पैदा होते हैं और सेफ्टी और वो सब। तुम्हारा मतलब सेक्स एजुकेशन? तो इसमें इतनी ऑकवर्ड होने वाली बात क्या है यार? मतलब ये सब स्कूल्स में पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्यों तुम्हारे वहाँ नहीं पढ़ाते? नहीं नहीं क्या बोल रहे हो, वहाँ तो अगर होता भी है ना तो शर्म के हमारे टीचर्स चैप्टर ही कैंसिल कर देते हैं। अब पता चला हमारे देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ तक क्यों पहुंच गई है। मगर मैं जहाँ से आती हूँ ना, हाँ, वहाँ ये सब नॉर्मल नहीं है। शायद मेरे लिए भी शादी से पहले ये सब करना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इट्स ओके चंदा, देखो सबकी लाइफ में अपनी अपनी चॉइस होती है राइट? सो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो आई एम श्योर तुम्हें कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिलेगा जो तुम्हारी चॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा। हाय, तुम मुझसे मिले भी नहीं जा रहे थे? नहीं, आई वाज अबाउट टू कॉल यू। अच्छा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अच्छा लेट्स डू वन थिंग, हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, रिफ्रेश हो जाएंगे दोनों, राइट? कम ऑन लेट्स गो। ऑफ कोर्स बेबी, आफ्टर ऑल दिस।
अगर तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं माफ कर दूंगी, तो तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। Come on babe, तुम कहां की बात कहां लेकर जा रही हो यार? मैं कहां की बात कहां लेकर जा रही हूं? तुम कहां थे तुम उस दिन जिस दिन मैं हॉस्पिटल में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख रही थी? किसी पापी को लेके गए थे हॉस्पिटल में? तुम्हारा जो ये रियल मैन डोंट डू दिस, असली मर्द कॉन्डम यूज नहीं करते, असली मर्द ये करते हैं। यू नो व्हाट, तुम असली मर्द हो ही नहीं। Babe, what are you? No, 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 no. Because अगर तुम होते ना, you wouldn't have gotten me into this situation. You know what you are? You're a fraud. You're just pathetic. What are you saying, yaar? Come on, yaar. Just forget all that, yaar. Come on, yaar. Hey, stay away from me, yaar. दुबारा अपनी ज़ुबान से मेरा नाम लिया ना? We are done. Okay? Come on, babe. Listen, yaar. Jyoti, come on, yaar. Listen. अगर प्यार का एहसास सच्चा हो तो डर किसका? दुनिया से लड़ने की ताकत भी जुटा लेंगे, बस यकीन हो हमें हमारे प्यार पर। कोई भी मुश्किल हो उसका सामना कर लेंगे। अरे डाकू मंगल सिंह, आ गई आप? चुप। तो और क्या करूं, किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मासा मुझे सीधा मंगल ग्रह भेज देंगे। वैसे मुझे एक जगह मालूम है जहां तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बता रहे हो, कहां? यहां। तुम ज्यादा ही छोटी जगह नहीं है? तुम्हें यह जगह छोटी लग रही है? अरे मैडम, कभी मेरे दिल के शहर में टहल कर तो देखो, तालाब, पर्वत, बागीचे और एक बड़ा सा महल। ए भगवान, तुम और तुम्हारे फिल्मी डायलॉग। अरे इसमें क्या फिल्मी है, मेरे पास तो ब्लूप्रिंट भी तैयार है महल का। तुम ना ख्याली बुलाओ ही पकाओ बस। पता नहीं, हम लोग ऐसे ही छिप-छिपा के मिलते रहे ना तो किसी दिन बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाना है। ओए कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी एक बार कैंपस प्लेसमेंट होते ही मैं गुरुग्राम या जयपुर नौकरी करने चला जाऊंगा, फिर एक दो महीने में सेटल हो जाऊंगा, फिर मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने चले जाएंगे, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। ओके, और कोई हुक्म मेरी डाकू मंगल सिंह? एक और। क्या? प्रिंटआउट्स, आपने प्रिंट कमांड दिया था ना? नो आई डिडंट। ओह आई थॉट यू डिड। ओके लेट्स इनकॉर्पोरेट सम स्ट्राइप्स इन हियर एंड ऑर्गेंजा ऑब्वियसली डजंट गो विद शिफॉन सो टेक दैट आउट। एक बात पूछनी थी, आपने जब नई कंपनी स्टार्ट की थी तो इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच किया? आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, कैन वी प्लीज टॉक अबाउट दिस अ लिटिल लेटर? श्योर, सॉरी। You're just a piece of plastic, fiber and glass. What's kya chupaoge? Strong password as the baby, but not stronger than Lakshmi. अगर आप इस शो पर दिखाए गए किसी भी मुद्दे से प्रभावित हुए हैं तो आपके लिए सहारा उपलब्ध है।
आप स्क्रीन पे दिए गए टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। छुपा यूं दिल के अरमानों वाली कॉपी ना छुपा, तुझको गर मोहब्बत है तो खुल के तू जता, लिखा क्या है दिल ने दिल पे पढ़ के तो बता, ये दुनिया